देखिए पेज नंबर 12 पर आज हम आदर और सम्मान के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है? ये जादू ने किया। तुम बिना जादू क्लास के दौरान तुम अपना खाना नहीं खा सकती हो। पीछे जाके खड़ी हो जाओ। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तुम्हें कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। जाओ जाकर पीछे खड़ी हो जाओ। हाँ। दादी बहुत डरावनी है। हाँ। अरे माँ, आपको इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी, और आपने केक भी तो खरीदा है। बच्चों नमस्ते कहो, तुम्हारी दादी आई है। अरे वाह, मेरे सभी बच्चे बड़े हो गए हैं। ये हमारी दादी है। मेरा पेट तो इतना भर गया कि और खा ही नहीं सकती। मेरा पेट भर गया। मेरा भी। माँ, क्या हम दादी का लाया हुआ केक खा सकते हैं? बताओ ना। क्या तुम लोगों ने सच में खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। वाह, ये तो मेरा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक है। आज केक तो देखा है। मेरे बच्चे इस केक के साथ क्या करने जा रहे हैं? मैं तो इसे खाने जा रही थी। तुम्हें पहले खाना खाना चाहिए, उसके बाद केक खाओ बेटा। मैंने अपना सारा खाना खा लिया। मैंने भी। आओ एक नजर डालें। सबसे पहले देखते हैं कि जादू के बोल में चावल के कितने दाने हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें तो बहुत सारे हैं। क्या तुमने सच में खाना खा लिया? ऐसा है कि ऐसी बुरी आदत को कभी भी नहीं सीखना चाहिए जादू बेटा। केक खाना खाने के बाद मिठाई की जगह पर खा सकती हो, समझ गई? तो तुम पूरा खाना खत्म कर लो, फिर केक खाना, फिर खाने में मजा आएगा। छोड़ जादू, मैं हमेशा तुम्हें कटोरी साफ करके खाने के लिए कहती हूँ ना। बिल्कुल नहीं, मुझे केक अभी खाना है, बोला ना। अगर ऐसे ही करोगी तो मैं सबक सिखाऊंगी। मैं चाहे खाना खत्म करूँ या नहीं, ये मेरी मर्जी है, मैं खाऊंगी। तुमने सच में मेरी बात नहीं सुनी जादू। जादू, मुझे एक बात बताओ, कल तुम्हें क्या हो गया था? मेरी दादी की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां हो गई है, देखो। वो क्यों? वो मुझे परेशान करना बंद ही नहीं करती, कभी अकेला नहीं छोड़ती मुझे, देखो ना। अगर तुम ये सब नहीं खाओगी तो तुम्हें घर जाकर और परेशानी होगी। मिंजी, क्या तुम सॉसेज लाई हो? बताओ ना। मैं खा लूं क्या? प्लीज दे दो ना मुझे। हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी? थैंक यू मिंजी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं घर आ गई। लंच बॉक्स मत फेंको। उसने खाना आधा ही खाया। क्या बात हो गई? जादू को मसालेदार खाना पसंद है, वो हमेशा जो कुछ नहीं खाना चाहती उसे छोड़ देती है। हम इसे ऐसे नहीं होने देंगे। माँ जी, लड़ाई के लिए शुभकामनाएं। ठीक है। मेरे आंसुओं में मेरे बच्चों, इसे तुम तुरंत बंद कर दो। क्यों? ये तो हमारा फेवरेट गायक है। देखो वो कैसे आग से बचने के लिए चिल्लाए जा रहा है। अगर तुम हर समय टीवी देखते रहोगे तो तुम भी बाद में आग में फंस सकते हो। रोबो सुपर के। नहीं, ये शैतान के सीन की तरह है। मुझे तुम लोगों को ऐसी चीजें देखने से बचाना है। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं।
यहाँ कुछ भी देखने लायक नहीं। मातृभूमि की ध्वनियों में ये दक्षिण ध्रुव प्रांत के धूले जिले में एक औषधीय पानी की आवाज। हाँ ये अच्छा है, चलो इसे देखो, तुम्हारा मन देखना कितना शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे कहाँ हैं? और इस प्रकार एक किक। दादी, मैंने तुम्हें ये सब देखने से मना किया था ना? वो बात है। जादू, चलो टीवी बंद कर दो अभी। अगर अच्छी बनना चाहती हो तो जो मैंने कहा वही करो। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ये लो मेरा प्रहार। ऐसा लगता है बहुत समय बाद एक बिगड़ी बच्ची मिली है। नहीं पता था कि मैं अपनी पोती पर आखिरी उपाय की कोशिश करूंगी। तुमने बहुत बदमाशी कर ली। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। दादी कभी भी एक छोटे बच्चे को नहीं छोड़ती अगर उसे बुरी आदत लग जाए तो। मेरी पेट की पट्टी कितनी उपयोगी है। तुमने क्या सोचा ये ऐसे खुल जाएगा? रुको जादू, वहीं रुक जाओ। मुझे मेरी आजादी वापस चाहिए। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। ये कहाँ छुप गई? जादू, अब जिद करना बंद करो और चलो अपने घर चलो। नहीं, मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जाइए आप। तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हैं, तुम्हें घर क्यों नहीं जाना? मैं आपकी वजह से घर नहीं जाना चाहती। अरे जादू, क्या तुम अपनी दादी से इतनी नफरत करती हो? हाँ, काश आप यहाँ से चली गई होती तो कितना अच्छा होता। जादू बेटा, पर तुम्हारी दादी को तो तुम कितनी पसंद हो। अच्छा माँ जी, अभी आपको सो जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ जाकर। पर माँ जी, दादी कुछ समय पहले ही तुम्हारे पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई हैं। क्या कहा स्टेशन? तो क्या दादी चली गई? आजादी, आजादी। क्या तुम्हें तुम्हारी दादी बिल्कुल पसंद नहीं है? तो अब तो मैं चावल भी छोड़ सकती हूँ और टीवी भी देख सकती हूँ। तुम्हारी दादी इतनी सख्त थी क्योंकि वो कई सालों तक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में काम करती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या कहा आपने माँ, दादी एक टीचर थी? हाँ सच में, तुम्हारी दादी भले ही सख्त है पर दिल से वो सबसे बहुत प्यार करती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम बच्चे सिर्फ यही सोचते हो कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं। जब तुम पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल में सबसे पहले उन्होंने ही तुम्हें देखा था और वो खुशी के मारे नाच उठी थी। क्या कहा, वो इतनी खुश थी? कल तुम्हारी दादी पूरी रात सो नहीं सकी क्योंकि वो तुम्हारी देखभाल कर रही थी। वो तुम्हारे बगल में ही बैठी थी। तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी बेटा। उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया क्योंकि मुझे सुबह उठकर काम करना था। कल रात आप मेरी देखभाल नहीं कर रही थी? मैं इतनी थक गई थी कि मैं भी सो गई थी।
मैंने तो अच्छी तरह से खा लिया। तुम्हारी दादी को तो तुम कितनी पसंद हो। दादी।